3 दिवसीय पंजाब दौरे के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के नायकों को भुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आजादी के नायकों को सम्मान दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सिद्धू और मजीठिया मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दो शख्सियत ऐसी नजर आती हैं जो एक तरह से पूरे आजादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं और वो हैं बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। ये दो आजादी के दीवाने ऐसे थे, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी आज़ादी के सेनानी हुए सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के हम केवल फैन नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फ़ोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पर चलेगी, पंजाब सरकार भी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलेगी।